खबर चंद्रपुर से। चंद्रपुर जिले के दुर्गापुर ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को पिछले 12-13 महीने का वेतन न मिलने से उन पर भूखे मरने की नौबत आई है। इन परेशान कर्मचारियों ने 12 जनवरी से काम बंद आंदोलन शुरू किया है। वे हर दिन कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं। दुर्गापुर ग्राम पंचायत में कुल 33 कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों को वेतन देने के लिए ग्राम पंचायत के पास पैसे नहीं है, जिसकी वजह से करीब 12 महीने का वेतन उन्हें नहीं दिया गया है। इस कारण वह आर्थिक संकट में आ गए हैं। इसी प्रकार कई साल से पीएफ नहीं जमा कराया गया है। जल्द वेतन देने, बकाया पीएफ का पैसा जमा कराने, कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी का दर्जा देने आदि मांगों को लेकर यह आंदोलन जारी है। सचिव का नियोजन ठीक न होने से स्थिति उत्पन्न होने का आरोप लग रहा है। महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत कर्मचारी युनियनच्या वतीने गेल्या 12/1/2024 पासून कामबंद आंदोलन ग्राम पंचायत दुर्गापूरच्या पटांगणामध्ये आम्ही सुरू केलेले आहोत। आमची मागणी अशा प्रकारे आहे, गेल्या 1 वर्षापासून किमान वेतन दिलेलं नाही आणि 2.5 वर्षापासून भविष्य निधी बँकामध्ये जमा केलेलं नाही, तेव्हा या ग्रामपंचायतमध्ये 33 कर्मचारी असून आमच्या सर्वांच्या कुटुंबावर उपासवाडीची पाळी आलेली आहे। म्हणून आम्ही सर्वजणच काम करून आम्हाला वेतन मिळत नाही, हा उद्देश घेऊन आम्ही गेल्या 12 तारखेपासून बेमुद्द काम आंदोलन इथे सुरू केलेलं आहोत। तेव्हा आमची मागणी अशी आहे की प्रशासक आणि ग्रामपंचायतमध्ये कमिटी आणि सरपंच म्हणजे काही ना काही तोडगा काढावे, जेणेकरून आमच्या कुटुंबावर उपासवाडीची पाळी येऊ नये या दृष्टिकोनातून आम्ही इथे आंदोलन आम्ही सुरू केलेलं आहोत। मैं दीपाबाई सफाई कर्मचारी दुर्गापुर ग्राम पंचायत की। आज हमारा 13 महीने हो गए, हमारा पेमेंट पानी नहीं, कुछ नहीं। हम एडवांस मांगने जाते हैं तो हमारे को बोलते हैं काय का एडवांस है, अभी पैसा पानी नहीं है हमारे पास में, हम क्या देंगे, क्या कुछ नहीं देते, तुम बाहर लिख लो, तुम्हारे काय का पैसा क्या भीख मांगने आए क्या, ऐसा करके हमको सचिव बोलता। हम मांगने आते हमारे हक की, हमारी मेहनत की कमाई, हम अपना पैसा मांगने आते तो ये लोग नहीं देते। वो बोलता है सरपंचनी करने जाओ, सरपंचनी बोलती है सचिव के पास जाओ, तो हम जाना तो क्या करने का, क्या खाने का, हमारे बाल बच्चे को क्या खिलाएंगे, हम क्या खाएंगे, हमारे को दवा खाना यू खाना सब करना पड़ता। आज दुकानदारी में 12-13 हज़ार रुपये आज कर्जा हो गया, दुकान वाला हमारे को राशन नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, मांगने जाओ तो किसी से 5 पैसे नहीं दे रहे हमारे को, हम करेंगे तो क्या करेंगे। ऊपर सरपंच सरपंचनी अरे सचिव के ऊपर है, ऊपर सरपंच भी और सरपंचनी सचिव के ऊपर दबाव डाले तो यह हमारे को बहुत कुछ हो सकता है। ये आते ऑफिस में बैठते गुनगुन हंसते बोलते ताला लगाते हम चले जाते, फिर हम क्या करने का इनके लिए, आप ही सोचो और आप ही बताओ हमारे को। खुद का पैसा भविष्य निधि, खुद का पैसा भविष्य निधि नहीं दिया, ढाई साल हो गया, हमारा पीएफ भी नहीं भरा ना कुछ नहीं, ना हमारे को पेमेंट नहीं, 13 महीने से पेमेंट नहीं, हमारे 2.5 साल से हमारा पीएफ नहीं दे रहे, हमारे को कुछ नहीं दे रहे। मांगने को आओ तो क्या बोलते हैं कि भीख मांगने आए क्या, तो हमारी मेहनत का पैसा हम इनके पास में मांगने आते, हमारे को बोलते हैं कि भीख मांगने आए क्या, ये शब्दों से हमारे कर्मचारी के साथ में, हमारे साथ में हमारी बयान की इज्जत वो सचिव बाबू के हाथ में नहीं है, हमारे को कैसा भी बोलता है, आप क्या करने का आप ही लोग बताओ और आप ही लोग बोलो हमारे को। हाँ।